हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हमारे साउथ गोवा ट्रिप का डे टू है। डे वन हमने ट्रैवल किया था गुड़गांव से दाबोलीम एयरपोर्ट गोवा, और हमने स्टे किया था इस बहुत ही सुंदर से कॉटेज में जो कोलवा बीच के पास है। और डे वन हमने कवर किया था कोलवा बीच, मारचोडा बीच और बेताल बातिम बीच। और गाइस, डे टू का प्लान हमारा होने वाला है पालोलम बीच, और इसलिए हमने अपना रिजॉर्ट बुक किया है पालोलम बीच। और वहाँ पर मूव होने के बाद हम कवर करने वाले हैं आज बटरफ्लाई बीच। तो गाइज, आप देख सकते हैं कोलवा बीच से पालोलम का डिस्टेंस है 41 किलोमीटर, और ये हम कवर करने वाले हैं अप्रॉक्सीमेटली एक घंटे के अंदर। और हम पालोलम पहुंच चुके हैं, और आप देख सकते हैं ये बहुत ही सुंदर सा रिजॉर्ट है। और इस रिजॉर्ट में हमने बुक किया है 1 बेडरूम 1 डाइनिंग हॉल, जिसमें आपको एक छोटा सा किचनेट रेफ्रिजरेटर मिलता है, साथ ही आपको एक बहुत ही सुंदर सा स्विमिंग पूल मिलता है, और एक इनका खुद का रेस्टोरेंट भी है जहाँ पर आप ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर भी कर सकते हैं। तो गाइस, ट्रैवलिंग के टाइम जो सबसे बड़ा चैलेंज मैं फेस करता हूँ वो है एक वेजिटेरियन ढाबा ढूंढना। सो फाइनली हमें एक वेजिटेरियन ढाबा मिल चुका है, तो यहाँ से हम लंच करके निकल पड़ेंगे बटरफ्लाई बीच के लिए। और यहाँ पे हमने ऑर्डर किया था गर्मा गर्म चाय, वेज सैंडविचेस और वेजिटेबल उत्पम, जो गाइस सच में बहुत ही रिफ्रेशिंग और टेस्टी था। और लंच करने के बाद हमने अपना लोकेशन डाल दिया गूगल मैप पे, जो बहुत ही कन्वीनियंट तरीका है किसी भी लोकेशन को ट्रैक करने का जब आप ट्रैवल कर रहे हो। और आप देख सकते हैं बटरफ्लाई बीच यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली 7.5 किलोमीटर है, और इसे कवर करने में हमें लगे सिर्फ 20 मिनट। और गाइज, ये ओवरऑल जो ट्रैक है ये थोड़ा सा रफ और टफ होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आप डायरेक्टली बाइक या कार लेके नहीं जा सकते, तो ये अप्रॉक्सीमेटली 2.5 किलोमीटर का स्ट्रेच है जो आपको ट्रैकिंग करके ही कवर करना पड़ेगा। तो गाइस, मैं आपको दिखाता हूँ, मैं आपको ले चलता हूँ बटरफ्लाई बीच। और मैं आपको बता दूँ कि बटरफ्लाई बीच एक प्राइवेट बीच है, और यहाँ पे एंट्री फी पे करना होता है आपको, और यहाँ की एंट्री फीस है 100 रुपीज़ पर पर्सन। बट ये सच में वर्थ है, क्योंकि बटरफ्लाई बीच पहुँचते ही आपको एक बहुत ही अद्भुत नज़ारे देखने को मिलते हैं, और ये सच में एक बहुत ही खूबसूरत बीच है। तो गाइस, आप देख सकते हैं कि दोपहर के 3 बज रहे हैं, बट ऑलरेडी यहाँ पे इतने सारे टूरिस्ट आए हुए हैं। यहाँ पे लोग मोस्टली प्री वेडिंग शूट्स के लिए आते हैं, लोग फैमिली टाइम स्पेंड करने के लिए आते हैं, और यहाँ पर बहुत सारे कपल्स भी आते हैं। तो गाइस, ये बीच बहुत ही ज़्यादा सेफ भी है। और गाइस, ये बीच इतना सुंदर है कि इसकी तारीफ में शब्द कम पड़ जाएंगे। तो ये एक ऐसा एक्सपीरियंस रहने वाला है जो आपको लाइफ टाइम याद रहेगा। तो आप जब भी साउथ गोवा आएँ तो एक बार बटरफ्लाई बीच ज़रूर विज़िट करें। और बटरफ्लाई बीच आते टाइम मैं आपको एडवाइस करूँगा कि आप शाम को अंधेरा होने से पहले निकल जाएं, क्योंकि जितना सुंदर ये बीच है उतना ही ख़तरनाक इसका ट्रैक है, और रास्ते में आपको बहुत सारे क्रीपी क्रिएचर्स, सांप और रेप्टाइल्स देखने को मिल जाएंगे, जिन्हें आप अंधेरे में तो फेस करना बिल्कुल नहीं चाहोगे। क्योंकि गाइस, हम यहाँ से लेट निकले थे, अंधेरा हो गया था और हम रास्ता भी भूल गए थे, बट लोकल लोगों की हेल्प से हम मेन रोड तक पहुँच पाए थे। तो गाइस, इस बीच पर आने से पहले आप टाइम का अच्छा सा बफर लेके चलें। तो गाइस, फाइनली हम पालोलम बीच मार्केट पहुंच चुके हैं, और अब हमारा मेन टास्क है एक बहुत ही अच्छा वेजिटेरियन रेस्टोरेंट ढूंढने का। और इस बीच हमने की बहुत सारी शॉपिंग, जिसमें हमने खरीदे कुछ ऑर्गेनिक हेम्प प्रोडक्ट्स, थोड़े से मेमोरेबल्स फ्रिज के लिए, मैग्नेट्स, और थोड़े से बीच के लिए ड्रेसेस।
और थोड़ी मेहनत के बाद हमें मिल गई एक बियर शॉप, जहाँ से हमने एक एक बियर की बॉटल्स भी ले ली। और फाइनली हमें एक अच्छा सा वेज रेस्टोरेंट मिल गया, जहाँ पे हमने हैप्पी आवर्स के पूरे मज़े लिए। तो गाइस, बहुत सारी बिरयानी खाने के बाद हमने की थोड़ी सी विंडो शॉपिंग। और गाइस, कहते हैं ना गोवा कभी सोता नहीं, तो साउथ गोवा का डे टू हमने एंड किया एक बहुत ही लॉन्ग बीच वॉक के साथ। और कल हम ट्रैवल करने वाले हैं कापोडारामा और अगोंडा बीच। सो गाइस, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर योर वैल्यूएबल कमेंट्स एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोज। बाय।